Sumedha Prashan is Ayushakti's social contribution activity. In Sumedha Prashan, we just take one time registration. And whole year, that is 12 months, we give these drops free on every Pushya Nakshatra day. You will not believe me, in this whole program, we have till now helped more than 4,000 children. We started this program with the intention to support children to increase their immunity, memory, appetite, and because of that also support their growth. And today the results are amazing. Lot of children who grew very little suddenly have grown very well. On an average, out of all these 4,000 children who has come through this program, we have seen that more than 80% children grew double than their average growth when they were not taking Sumedha Prashan. Almost 95% children have not gotten any infections. We have got children who used to take antibiotics every 1 month, sometimes 15 days, sometimes 1.5 months. And these children now don't get any infections, and they are so strong, the immune system is so strong, that you will not believe me. Now, they don't need antibiotics because they don't feel sick. Ayushakti ka dhyay hai ki samaj mein contribution kare. So Sumedha Prashan ek samajik contribution activity hai. Ye Sumedha Prashan ke dwara hum hazaron bachchon ko sehat dete hai. Unki immunity badhate hai, unka appetite badhta hai, unka growth badhta hai, cough, cold, fever ki matra remarkably kam ho jati hai. Sumedha Prashan jo hai, usme keval ek time registration fees hum lete hai aur saal bhar ke drops hamari aur se unko free rehte hai. To is program ke dauran humne kareeb 4000 se adhik bachchon ko Sumedha Prashan diya hai aur ye sare bachchon ke results itne aashcharyachakit karne wale hai ki aap sunenge to aap manenge nahi ki aisa bhi ho sakta hai. Jaise ki बच्चों में बार बार बुखार आना, ये समस्या आम समस्या है. हर 15 दिन में, हर महीने में, डेढ़ महीने में बुखार बच्चों में आते ही रहता है. और खास करके बॉम्बे का क्लाइमेट इतना खराब है और यहाँ पर इतनी पोल्यूशन है कि बच्चों को बार बार इन्फेक्शन लगता है. और फिर माता पिता को उनको एंटीबायोटिक देने के अलावा कोई चारा नहीं रहता. तो ऐसे समय पर हमने सोचा कि बच्चों में यदि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए तो कैसा हो, तब तो उनको बुखार आए ही नहीं और फिर एंटीबायोटिक लेने ही नहीं पड़े. तो हमने सुमेधा प्रश्न के द्वारा जब ये कार्य शुरू किया तो हमने देखा कि ये सारे बच्चों को 6-6, 8-8 महीने तक बुखार आया ही नहीं. उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि उनकी माता को लगा कि इनको बुखार क्या आता था, क्या होता था बुखार आने पर, वो सारे लोग भूल चुके जैसे कि. और क्योंकि उनको बुखार नहीं आया और बार बार उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उनकी एपेटाइट भी अच्छी होने लगी, खाना अच्छे तरीके से खाने लगे. और उसकी वजह से जो बच्चे का ग्रोथ नहीं होता था, वजन कम था, हाइट कम थी, वो सभी का जबरदस्त ग्रोथ हो गया. पहले 6 महीने में समझो 1 इंच हाइट बढ़ी थी. तो फिर जब सुमेधा प्राशन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया तो 6 महीने के अंदर 2 इंच तक हाइट बढ़ गई, ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं. उसके अलावा ये सारे बच्चों में पाया गया कि एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया, उनकी मेमोरी अच्छी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो गया, उनका रिकॉलिंग पावर अच्छा हो गया. कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो पढ़ने के समय उनको लगता है सारा मुझे तो आता है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा था और उस समय सारा गायब हो जाता है. तो ऐसे बच्चों में ग्रहण करने की क्षमता यानी कि मेमोरी एबिलिटी, ग्रास्पिंग एबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, मतलब कि ग्रहण करके उसको वापस जो बताना है वो क्षमता बढ़ गई. तो ये सुमेधा प्राशन जो प्रोग्राम है उसके द्वारा मुझे बहुत ही गर्व है कि हजारों बच्चों के जीवन में हमने आज कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. तो
आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को ले करके आइए कोई भी आयुषक्ति क्लिनिक में और उनको सुमेधा प्राशन में डालिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और आपके बच्चे को केवल फायदा ही फायदा है।